वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा गवादर, मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रख दिया। मनसूबों में चाइना एक्सपो सेंटर, बसीमिया खुजदार रोड, ट्रांसमिशन लाइन और न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल। शहबाज शरीफ को तरक्याती मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी तकरीब में शरीक हुए। हुकूमत ने तमाम जमातों से निगरान वज़ीर आज़म के नाम मांग लिए। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुशावरती कमेटी के रुकन नवीद कमर ने कहा कि अभी तक नून लीग समेत किसी जमात ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम नहीं दिए। तमाम जमातों को कहा गया है वो निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर मुशावरत करें ताकि किसी नाम पर मुत्तफिक का फैसला हो सके। खवातीन से मुतालिक कोई तज़हीक का मैं इस बात नहीं की, मेरा बयान सियाको सबा के साथ देखा जाए। मर्द अरकान असम्बली के खिलाफ भी बात होती है, इस पर कोई बात नहीं करता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सेनेट और कौमी असम्बली में वजाहत। बोले पीटीआई की क़यादत ने मरियम नवाज के लिए जो बातें की उस पर मुआफ़ी मांगे, वो भी मुआफ़ी मांग लेंगे। मंशियात फरोशों की सजा में नरमी अफसोसनाक है। चेयरमैन पीएसई नूर आलम खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं बिजली महंगी होगी तो क्या बिजली चोरी नहीं होगी? आईएमएफ से कहें महंगाई होगी तो लोग यहां रहेंगे कैसे? वज़ीर इत्तला'आत सिंध शर्जील मेमन का कहना है इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी कामयाब होगी, बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। सैलाब ज़दगान के पैसे पर चेयरमैन पीटीआई अयाशी करते रहे। घर बनाकर देना और जमीन का मालिक बनाने से बड़ी कोई खिदमत नहीं हो सकती। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.50 रुपये इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बिजली का बुनियादी टैरिफ 42.72 रुपये फी यूनिट तक पहुंच गया। सेल्स टैक्स के बाद बुनियादी टैरिफ 50.41 रुपये फी यूनिट हो गया है। नई कीमतों का इतलाक जुलाई 2023 से होगा। सिंध में सरकारी निजी इदारों को गुज़िश्ता बरसों में दिए गए 7 अरब के कर्जों का रिकॉर्ड गायब। सिंध काबीना ने सरकारी इदारों को दिए गए कर्ज माफ़ करने की मंजूरी दे दी। काबीना फाइनेंस कमेटी की कर्जों को माफ़ करने की तजवीज़ की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी तौसीक कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली और नीम कबायली अजला 4 माह के लिए सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना। केपी रेवेन्यू अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्तेस्ना का फैसला अथॉरिटी के पॉलिसी बोर्ड ने केपी हुकूमत की इजाज़त से किया है।